नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, यानी अमृत महोत्सव। इस 75 साल की यात्रा में गर्व, उपलब्धि, पुरुषार्थ, वीरता और महानता के अनगिनत अवसर आए हैं। इतनी मेहनत से हासिल हुई आजादी की इस विरासत को 75वें साल के मौके पर हर भारतवासी को याद कर लेना चाहिए। As country's first satellite, Aryabhatta, was launched into space. The Chogyal of Sikkim has asked the government of India to take over the administration for the time being. As you're responsible for it over the last 2 weeks. Skip it aside quite beautifully. Upar se Bharat kaisa dikhta hai aapko? The Triple Talaq law passed by the Parliament has in fact been hailed as a step towards gender equality by women. Supreme Court ne aitihasik faisla sunate hue samlaingikta ko apradh ke daire se bahar kar diya hai. 10, 9, 8, 7. पचहत्तर वर्षों की इस यात्रा में हासिल की गई उपलब्धियों के साथ हमें शर्मिंदगी के उन पलों को भी याद कर लेना चाहिए जिनके न होने की स्थिति में भारत और भी बेहतर भारत बन सकता था। ₹500 और ₹1,000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह यात्रा बहुत लंबी है और मोटी मोटा इन घटनाओं ने आज के हिंदुस्तान को गढ़ा है। कोई भी सूची संपूर्ण नहीं हो सकती, यह भी अधूरी ही समझिए। बहरहाल 75 साल बाद हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां थोड़ा सा ठहर कर यह सोचने का वक्त है, जिस सोच के साथ, जिस जोश के साथ, जिस विचार के साथ, जिस आदर्श के साथ भारत की यह यात्रा 1947 में शुरू हुई थी, क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या वह दिशा सही थी? 75वें साल का जश्न इन सवालों से मुठभेड़ का मौका है। आज देश जहां खड़ा है उसे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आज का भारत प्रोपेगेंडा और भ्रम के असाधारण प्रकोप की चपेट में है। जिस स्तर पर यहां प्रोपेगेंडा का खेल चल रहा है वह न भूतो न भविष्यति है। मसलन आजादी का 75वां साल है, ठीक उसी समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन यह चलने के लिए नहीं चल रहा, सिर्फ दिखावे के लिए चल रहा है। क्योंकि जिस सरकार पर संसद को चलाने की जिम्मेदारी है वह अमृत महोत्सव में व्यस्त है। अमृत महोत्सव भी एक नेता की महामानव छवि के इर्द गिर्द केंद्रित है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के
एक उत्सव के रूप में मना रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत। 75 साल का ये अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने लिया। जिस विपक्ष को सरकार की कारगुजारियों पर नकेल कसनी थी उसे सरकार ने ईडी से पार पाने के जुगाड़ में लगा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर ले जाया गया है आज सुबह 6 बजे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे तक पूछताछ की। इस देश का मीडिया, खासकर टेलीविजन मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ का पतन हो गया है। मीडिया को सरकार ने प्रोपेगेंडा के महासागर में आरएसएस की आजादी की लड़ाई में भूमिका साबित करने में लगा दिया है। जिस आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया वो देशद्रोही हो गए। देशद्रोही संगठन आरएसएस कैसे हो गया? जिस संगठन से जुड़े स्वयंसेवक आज देश की बागडोर संभाल रहे हैं क्या वो देशद्रोही संगठन से ताल्लुक रखते हैं? जिस संगठन को खुद पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता दिया कि क्या नेहरू भी तिरंगे नहीं बल्कि भगवे को नेशनल फ्लैग के तौर पर चाहते थे? आज सबको बताना चाहिए कि क्या गांधी जी ने भी तिरंगे को सलामी देने से मना कर दिया था? और क्या आजादी की लड़ाई में संघ के लोगों का कोई योगदान है या नहीं? इस बात के अकाट्य सबूत मौजूद हैं जब संघ के तत्कालीन मुखिया माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरुजी ने, हिंदू महासभा ने और विनायक दामोदर सावरकर ने खुलेआम हिंदुओं को आजादी की लड़ाई से अलग रहने के आह्वान किए। लेकिन अब ये सब मेरे कहने का मसला नहीं है, अब यह सब आपके खुद पढ़ने और विचारने का मौका है, क्योंकि यह आजादी के 75वें साल के जश्न का मौका है। और आपकी बात से याद आया कि आपको भी इस सरकार ने तिरंगा खरीदने के काम में लगा दिया है। हर आदमी को सरकार ने काम पर लगा रखा है, फिर भी कहा जा रहा है कि देश में बेरोजगारी है। खैर, देश जिस असाधारण प्रोपेगेंडा वार की चपेट में है उसका एक उदाहरण देखिए कि टीवी, अखबार, पत्रिका, पोस्टर में सिर्फ एक नेता की तस्वीर धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है। गली, नाके, चौक, चौराहे, हर जगह सिर्फ एक नेता का चेहरा दिखाया जा रहा है। भारत प्रोपेगेंडा के उस चरण में है जहां अब चिड़ियाघर की वेबसाइट पर भी खूबसूरत जीव जंतुओं की जगह नेताजी की तस्वीर दिखाई जा रही है। बीते दिनों एक घटना मेरे सामने आई। दिल्ली शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की कहानी है। इस स्कूल में मध्य वर्ग से भी थोड़ा सा ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं। किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, आप सिर्फ घटना को समझिए। यहाँ हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा अपने दूसरे साथी से अपने तीसरे क्लासमेट के बारे में, जो कि मुसलमान है, कहता है कि मुसलमान तो बदमाश होते हैं। दूसरा बच्चा इस बात से कतई सहमत नहीं था। उसकी समझदारी ने बताया कि यह बेवकूफाना बात है, लिहाजा उसने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। इस पर दोनों की दोस्ती टूट गई। प्रोपेगेंडा इस तरह से देश के बच्चों के कोमल मन को प्रभावित कर रहा है। वहां अब अच्छे नागरिक नहीं, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। तो अपनी आजादी के 75वें साल में भारत इस मुकाम पर खड़ा है। आने वाली पीढ़ी को 75वें साल के मौके पर देश यही सब दे रहा है। प्रोपेगेंडा का विकृत रूप हर दिन हमारे इर्द गिर्द घना होता जा रहा है। वो सभी प्रतीक जो हिंदुस्तानी सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय होने का गर्व थे, अब वो एक एक कर एक राजनीतिक दल के बंधुआ बनते जा रहे हैं। भारत की सनातनी बलिदानी परंपरा का सबसे उदात्त प्रकटीकरण जिस केसरिया रंग से होता था, अब वह केसरिया रंग पूरी तरह से संकीर्ण दक्षिणपंथी विचारधारा के कब्जे में है। अब केसरिया पहनना ओढ़ना आपके निसंदेह दकियानूस और दक्षिणपंथी होने का ठप्पा बन गया है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा। आपके विरोधी अब सिर्फ इसी आधार पर आपको खारिज कर सकते हैं। केसरिया अब सिर्फ संघ और भाजपा का है। सिर्फ रंग ही नहीं, अब हमारे देवी देवता भी इसी दल के हो गए हैं।
एक वक्त था जब जय राम 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 जय सियाराम हमारे सामान्य अभिवादन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब नहीं चलता। राम राम या जय राम कहते ही आप खारिज कर दिए जाएंगे। हमारे राम का राजनीतिकरण हो चुका है। जय श्री राम से नीचे अब कोई बात ही नहीं होती। और हाँ, यह अभिवादन नहीं, हमारा अहंकार प्रदर्शित करने का जरिया बन गया है। इसमें राम की विनम्रता या शालीनता नहीं, बल्कि आज के दौर की उत्तेजना और आक्रामकता झलकती है। इसी तर्ज पर हमारे आजादी के महापुरुषों को आपस में लड़ाया और बांटा जा रहा है। 10 साल पहले तक अंबेडकर, पटेल या फिर भगत सिंह सबके थे, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर इनसे जुड़ी बेसिर पैर की कहानियां सुनाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? बाबा साहब अंबेडकर को शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। अब यह लड़ाई तिरंगे तक पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों में ऐसा माहौल बनाया गया है कि अब तक तिरंगे को घर घर नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि जिस दल ने 70 साल तक देश पर राज किया वह दल तिरंगे का सम्मान नहीं करता। जिस दल ने तिरंगे को देश का ध्वज घोषित किया वह तिरंगे का सम्मान नहीं करता। तिरंगे का सम्मान सिर्फ एक ही दल करता है। इस तरह तिरंगा भी अब एक दल का सामान बन गया है। बहुत बारीक तरीके से हमारे आपके मन में प्रोपेगेंडा के जरिए ये बातें स्थापित की जा रही हैं। प्रोपेगेंडा के इस अमृत काल में मीडिया कहाँ खड़ा है उस पर विशेष बात करने की जरूरत है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये वाला काम जरूर किया। यह बात लगभग साफ है कि प्रधानमंत्री मीडिया के प्रति बहुत नीची निगाह रखते हैं। मीडिया के मुताबिक उनकी सोच है कि यह सरकार के प्रोपेगेंडा का एक साधन होना चाहिए, न कि सवाल करने वाला चौथा स्तंभ। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू दिए हैं वो ज्यादातर प्रायोजित टाइप होते हैं। वहाँ खूब सारे प्रशंसात्मक सवाल होते हैं और कोई प्रतिप्रश्न नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? मीठा बहुत पसंद है, तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं जी। आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? एक फकीरी है आपके साथ, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? मीडिया के प्रति अपना नकारात्मक नजरिया मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उजागर कर दिया था। आने के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ विदेशी दौरों पर जाने वाले पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सिर्फ सरकारी मीडिया का एक नुमाइंदा उनके साथ जाता है। शायद इसके पीछे फोटो प्रेमी प्रधानमंत्री की वह सोच होगी कि करीने से गढ़ी गई छवि के मुताबिक ही फोटो और वीडियो जारी हों। लिबरल, लोकतांत्रिक, मुक्त मीडिया के पत्रकारों की उपस्थिति में शायद यह संभव नहीं था। आजादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प आप भी लीजिए, मीडिया को आजाद करवाने का संकल्प। हमारा परंपरागत मीडिया आज अपने विज्ञापन आधारित आय के मॉडल के दबाव में दम तोड़ रहा है।
किसी भी और के मुकाबले आज सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत इस मीडिया को है, क्योंकि एक आजाद मीडिया ही एक स्वस्थ और सूचना संपन्न लोकतंत्र बनाने की गारंटी दे सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मीडिया की आय का जरिया बने, ताकि सरकारें और कॉरपोरेशन मीडिया की बाह मरोड़ना बंद करें। आजादी के 75वें साल के मौके पर न्यूज लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज में कुछ बेहद खास गिफ्ट हैम्पर और ऑफर्स उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट पर इंडिपेंडेंस डे के सेक्शन से इन्हें खरीद सकते हैं और साथ में न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। मीडिया को नीची निगाह से देखने का एक उदाहरण इस सरकार ने तब भी पेश किया जब संसद का केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में पत्रकारों की पहुंच रोक दी गई। सेंट्रल हॉल वो इलाका था जहां पत्रकार देश के तमाम नेताओं से मेलजोल करते थे, सूचनाएं साझा करते थे। कोविड के नाम पर यह सब शुरू किया गया था। अब कोविड के प्रावधानों में छूट दी जा चुकी है। हालत यह है कि संसद में एक भी सांसद आपको मास्क लगाए नहीं मिलेगा, लेकिन पत्रकारों का प्रवेश वर्जित है। आप चाहे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हों, संसद को कवर करने का कितना भी आपका अनुभव हो, सरकार ने संसद के सत्र को कवर करने वाले पत्रकारों की संख्या अब तय कर दी है। यह सरकार लॉटरी से तय करती है कि कौन पत्रकार कब संसद की कार्यवाही को कवर करेगा। इस तरह फोटो पत्रकारों को भी अब राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल और दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रमों को कवर करने पर भी प्रतिबंध है। बिल्कुल इसी तर्ज पर अब नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या फिर विभिन्न मंत्रालयों में भी पत्रकारों के आने जाने से जुड़ी तमाम शर्तें थोप दी गई हैं। और आखिरी बात, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 75वां साल मना रहा है, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर सरकार के दिल में एक अदद महिला प्रेस क्लब के लिए कोई जगह नहीं बची। अशोका रोड पर स्थित वुमेन प्रेस कॉर्प का दफ्तर छीनने की पहल कर दी गई है। सरकार ने नोटिस देकर इसे खाली करने का हुक्म दे दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव में मीडिया और लोकतंत्र का दायरा पहले के मुकाबले संकीर्ण हुआ है, संकुचित हुआ है। सरकार पहले के मुकाबले अलोकतांत्रिक, अपारदर्शी और गैर जवाबदेह हुई है। अगर मना सकते हैं तो इन बातों का उत्सव भी मनाइए। इस अमृत वर्ष में 140 करोड़ भारतीयों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात कड़वी लगी हो तो तू तड़ाक देख लीजिए। तू तड़ाक। नमस्कार प्यारे देशवासियों, खबर वही जिसमें थोड़ी सी तू और ढेर सारी तड़ाक हो। यह भारत का अमृत काल है और संयोग देखिए कि इसी दौर में हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके का जश्न मनाने के लिए जिस अजीमुश्शान मोहतरमा को हमने बुलाया है, उनसे आप सब पहले से ही परिचित हैं। इनकी भभकती हुई वाणी से इस देश के करोड़ों युवाओं का दिल रेल की तरह धड़धड़ धड़धड़ धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगना कैनॉट की। स्वागत है कैनॉट जी आपका तू तड़ाक में। देखिए, आप नाम पर मत जाइए, रजनी भी कैंट है लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए रंगना कैन। पर आपके बॉक्स ऑफिस नंबर से तो ऐसा लगता है कि यू कांट। एनीवे, देश आजादी के 75वें मुकाम पर खड़ा है। नहीं, आप भूल रहे हैं, देश जो है आजादी के 75वें मुकाम पर नहीं खड़ा है, 9वें मुकाम पर खड़ा है। ये लोग भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ, बिकॉज माई ग्रैंडफादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। ये वामपंथी जिहादी लोगों की जो साजिश है हमारे इतिहास के खिलाफ, उन्होंने जो है इतिहास को एकदम पलट के रख दिया है। हमें आजादी तब नहीं मिली थी जब क्वीन गई थी, आजादी तब मिली थी जब मेरी क्वीन आई थी, मतलब 2014 में। जो भी है, देश अब आजाद तो है। हमारे वजीर आजम साहब हैं मोदी जी, वो भी अब कह रहे हैं कि देश 75वें साल का जश्न मना रहा है, आप लोग अपने घरों पर 3 दिन तक तिरंगा फहराइए, जश्न मनाइए। तो आप भी फहराएंगी तिरंगा? इसी से जुड़ा एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि आपका जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ तो पहली बार तिरंगा मेरे ख्याल से साल 2002 में मनाया गया, फहराया गया। तो जब देखिए, आज़ादी ही जब 2014 में मिली है तो उससे पहले कैसे तिरंगा फहरा सकते हैं? आप बार बार 2014 पर जोर डाल रही हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कहना है कि ये 75वां साल है आज़ादी के। देखिए, वो तो सोते हैं नहीं, तो कुछ भी उलझुल आजकल बकते रहते हैं। उलझुल? क्या बात कर रही हैं आप,
वो तो इतने एफिशिएंट आदमी हैं कि अगर एक साल भी काम करे तो वो 4 साल के बराबर हो सकता है। पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी 2014 में मिली है तो आपने 2009 में नेशनलिस्ट अवार्ड कैसे ले लिया? मेरा कहने का मतलब है कॉलोनाइजर्स से अवार्ड मेरा। देखिए, अब आप पूछ ही रहे हैं तो आज इस साजिश के ऊपर से मैं पर्दाफाश जो है आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ। देखिए, इन लोगों ने पहले अपने ईमेल से मुझे मेल किया कि आपको अवार्ड मिल रहा है, फिर मेरे ही मेल से अपने आप को इन्होंने मेल किया इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए, और उसके बाद जो है उसके बाद इन लोगों ने फिर मुझे अपने मेल से मेल किया और जो है मेरा डॉक्टर्ड वीडियो एक बना दिया है अवार्ड लेते हुए। ये जो आप बेफालतू की बकवास कर रही है ना, इसी वजह से आपका ट्विटर हैंडल ट्विटर वालों ने उड़ा दिया है और वो आप ट्विटर के बाहर भी वही सब बकवास कर रही हैं। आप लोग बोलते हैं कि आप जो हैं गांधीवादी लोग हैं, तो मेरा जो ट्विटर उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक कान से बकवास सुनकर दूसरा कान भी जो है आपको आगे कर देना चाहिए था। देखिए, गांधी जी के बारे में ऐसी वैसी बात करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं वो भी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं। आप कब से गांधी गांधी क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं इनका जो नेपोटिज्म है वो आपके आगे आज एक्सपोज करना चाहती हूँ। क्या महात्मा गांधी को पता था कि फिरोज जहांगीर गांधी ने उनके सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या महात्मा गांधी जानते थे कि फिरोज गांधी अब अपने आप को फिरोज गांधी बताने लगे हैं? सबसे पहले आए लाल मोती नेहरू। नहीं, पहले मोती फिर लाल। अतुल जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये लाल और मोती दोनों अलग अलग आदमी हैं। ये लाल मोती नेहरू एक ही आदमी की जो है बात हो रही है। नहीं भाई, उनका नाम मोती लाल नेहरू है, लाल मोती नहीं। अब ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आप समझते रहिए। तो सबसे पहले जो है लाल मोती नेहरू आए हैं, उसके बाद में लाल जवाहर नेहरू आए हैं। और जवाहरलाल, जवाहरलाल। अच्छा, अभी लाल पहले बोलना है तो मतलब क्या जवाहरलाल मोती नेहरू है? मैडम, पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा तो मतलब आजादी के सिपाही हैं, उनका नाम एहतराम से लीजिए। लाल, तो ये जो लाल सिंह चड्ढा है वो किन के पिताजी हैं? ऋचा चड्ढा के? ये पूरी बातचीत को आपने बेपटरी कर दिया है। आप नेपोटिज्म के ऊपर बात कर रही थी, भाई भतीजावाद के ऊपर बात। आप अब मुझे टोकेंगे नहीं। तो जो लाल मोती नेहरू थे उनके जो बेटे थे लाल जवाहर नेहरू, उनके जो एक बेटे हुए थे फिरोज नेहरू, वो जो आगे चलकर बहुत जो एक बड़े पॉलिटिशियन जो हैं बने थे। कुछ भी आप अनसंट बोले जा रही हैं। फिरोज गांधी जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे, जवाहरलाल नेहरू के कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसके ऊपर इन दिनों आप एक फिल्म बना रही हैं। नहीं नहीं नहीं, जो हम जो फिल्म बना रहे हैं वो महात्मा गांधी की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, जिनके नाम पे भारत का नाम जो है बदलकर इंडिया कर दिया गया था, उन पे हम फिल्म बना रहे हैं। इतिहास का उपहास। अगर मैं बुरा ना माने आप तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तालीम कहाँ तक हुई है, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? तालीम, देखिए मैंने ना मदरसे से पढ़ाई नहीं की है, तो अपनी ये तालीम का जो है तावीज़ बनाकर अपने गले में लटका लीजिए आप। देखिए रंगना जी, थोड़ा तमीज और तहजीब से हम बात करें तो बेहतर होगा। ये जो शो है हमारा, ये जवान बच्चे जनाना मर्दाना सारे लोग देखते हैं, घर घर में देखा जाने वाला शो है ये। आप सबसे पहले जो अपनी तमीज़ और अपनी तहजीब दोनों की ऐसे ये बत्ती बना लीजिए और ना इनको अपने कान में डाल लीजिए। कहाँ? अच्छा, कान में। देखिए, इस तरह के संस्कार मत दिखाइए। संस्कार से मुझे एक बात आई, संस्कार और संस्कृत में बड़ा अच्छा संबंध होता है, संस्कृत को लेकर आपके विचार में जानना चाहूँगा। देखिए, संस्कृत जो है हिमाचल की राष्ट्रभाषा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसके खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ यहाँ। राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, वो ऑफिशियल एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। तो आप जब कहें तो थोड़ा सोच समझ के कहें कि आप क्या बोल रही हैं, और हम लोग कोई संस्कृत के खिलाफ लोग नहीं हैं, संस्कृत से हमारा कोई बैर नहीं है।
मुझे तो पता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे यहाँ जो कि संस्कृत से ही निकले हैं। जैसे एक शब्द है शैम्पू, वो संस्कृत के चंपू शब्द से निकला हुआ है। तो हम जानते हैं संस्कृत के बारे में। हाँ, मैंने भी ऐसा पढ़ा था। जो शैम्पू तो ठीक है, यहाँ तक कि जो सनस्क्रीन जो हम चेहरे पे लगाते हैं, सनस्क्रीन भी संस्कृत से आया है। ओ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संस्कृत ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी करने के लिए। मेरा बहुत सारे सवाल हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे है वो ये कि ये जो आप लवाजमा अपने इर्द गिर्द लेकर चलती हैं, क्या अभी भी इसकी ज़रूरत है आपको? मेरा कहने का मतलब है कि पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है, और अब तो आपका घर भी टूट चुका है, उनका घमंड भी टूट चुका है, अभी भी आपको इस सब की ज़रूरत है? देखिए, ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश की सारी एक्स की सताई हुई महिलाओं को जो है वाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं, जब महिलाएं सिक्योरिटी मांगती हैं, वाई सिक्योरिटी मांगती हैं, तब आप लोग पूछते हैं कि वाई सिक्योरिटी? देखिए, हंसिए मत ज़्यादा। जो एक और है ठाकरे, वो हंसा था और उसका भी घमंड टूटा था, तो आपका भी टूट सकता है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो आप ये कह रही हैं कि वाई कैटेगरी जो सुरक्षा मिली है आपको, वो आपका अधिकार है, और ये देश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने जेब से पैसे खर्च करके, टैक्स में जमा करके आपको ये सिक्योरिटी दिलाए। माफ़ कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में या इसके उत्थान में आपका जो योगदान है, दो चार वो अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, जो मेरा राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, वो अब जीके का सवाल बन चुका है, क्योंकि मुझे पद्मश्री मिला है। तो ये सवाल अब आप मुझसे मत कीजिए, अपने आप से कीजिए कि मेरा क्या योगदान है। और दूसरी बात ये कि मैंने तमिलनाडु के सीएम का रोल किया है, मैंने जो है झांसी की रानी का रोल किया है, मैंने इस देश की एक्स पीएम का रोल किया है। तो मेरा जो योगदान है उस पर आप सवाल मत उठाइए। अब अगर योगदान नहीं होता, तो जो पद्मश्री मिलने के बाद मैंने जो पार्टी रखी थी, तो उसमें आप जैसे जर्नलिस्ट क्यों आकर लोट लोट कर जमीन पर नाच रहे थे? माफ कीजिएगा, मैं तो वहां था नहीं, और राष्ट्र के निर्माण में आपने जो अपने योगदान बताए, वो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि गोलवलकर, सावरकर, इतने तमाम महान लोगों को छोड़कर आप इंदिरा गांधी पर क्यों शिफ्ट हो गई हैं? गुलवलकर और सावरकर जो हैं वो मर्द हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उनके रोल करना शुरू कर दूं? वैसे मैं सावरकर के रोल के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है मुझे इतने लेटर लिखने के लिए बोला, तो मुझे लग रहा था कि इस रोल की प्रेपरेशन के लिए मैं एक्टर हूँ या मैं टाइपिस्ट हूँ, मतलब मुझे एकदम स्टीरियोटाइपिस्ट कर दिया था वहाँ पर। तो फिर जो वहाँ पर मैं पहला ही लेटर जब लिखने लगी, तो मैं पहले लेटर के पहले ही लेटर पे थक गई, और वहां उनको तीन लेटर बोलकर आ गई, बी वाई ई बाय। कोई बात नहीं, आप इंदिरा गांधी पर ही बने रहिए, उनका रोल ही ठीक है। इस तरह से दोनों पार्टियां कंफ्यूज रहेंगी, और आपका 75 से 77 टिकट तो मेरे ख्याल से बिक ही जाएगा। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। देखिए, मैं हमेशा से उनका रोल प्ले करना चाहती थी, क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले दैट स्नूटी नेपोटिस्टिक फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स माफिया काइंड ऑफ अ पर्सन। और जो है उनकी 21 महीने की इमरजेंसी, मेरी 2 घंटे की इमरजेंसी उन पर भारी पड़ने वाली है। इसलिए मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना प्यार आपने उस इमरजेंसी को दिया था, उससे ज़्यादा ही प्यार आप मेरी इमरजेंसी को दीजिए। वो वाली इमरजेंसी तो यह देश झेल गया, इनकी वाली झेल पाएगा या नहीं, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। आज़ादी के 75वें साल में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का उबाल है। रंगना का कहना है कि ये कर सकती हैं, देखते हैं कितना कर सकती हैं। अगली बार एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें, अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। मौका अमृत महोत्सव का है, तो हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जो 75 साल की हमारी यात्रा का एक आईना है।
इस मीडिया की चमक दमक और स्टूडियो जीवी पत्रकारों के मुंह पर तमाचा है, सरकारों के भी मुंह पर तमाचा है, या खासकर उन बेईमान शिक्षकों और भ्रष्ट शिक्षा विभाग के मुंह पर बड़ा वाला तमाचा है जो नौकरी लेकर तनख्वाह लेकर स्कूल से गायब रहते हैं, चौराहे पर बैठकर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्लॉट कटवाकर कमीशन बनाने में लगे रहते हैं। यह वीडियो झारखंड का है लेकिन पूरे देश की यही सच्चाई है। जैसे कि मैं पता जा रहा हूँ, स्कूल खुल गए, घर में सो गया है, अरे हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, मुझे यार भी बच्चा नहीं है, बच्चे से पूछा क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते है भाई, स्कूल में पढ़ने तो आते नहीं है, लेटरिन करने भी बहुत तकलीफ होते है, और पानी का व्यवस्था क्या होता है, पानी वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, कि इस स्कूल में लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है, ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लेटरिन का व्यवस्था करना चाहिए, क्या कर रहा है सरकार, ये देखिए क्या क्या है लेटरिन में, ये देखिए जंगल है स्कूल में, कैसा ये सरकार है, कैसा ध्यान। जमकर अमृत महोत्सव मनाइए, तिरंगा फहराइए, लेकिन किसी को कटघरे में मत खड़ा कीजिए, थोपिए मत, सर्टिफिकेट मत बांटिए। जय हिंद, नमस्कार।